नहीं है, झूठ झूठ कर पागल हो रहे सारे कौन करवाता है चोरी? पुलिस वाला। पैसा लेते हैं। क्या नाम है पुलिस वाले का जो चोरी करवाता है उस पुलिस वाले का? वो ये कहते हैं जो मोटर पकड़ गया है गरीब आदमी को भगा देता है कि जाओ जाओ आगे जाकर बात छोटे अपना नाम बताइए। कैसे क्या हुआ आपके बच्चे के साथ बताओगे? मेरे बच्चे साथ कल आया वो लड़का कभी नहीं आता, रात आया पूछने कह रहे आपके बच्चे का क्या नाम है। मैं बोला मेरे बच्चे को महेंद्र नाम है। तो कह रहे आपके बच्चा गया स्कूल? तो मैं बोला कि हाँ गया स्कूल। तो कह तुम्हें क्या काम है? तो कह रहे उसके साथ मेरा भाई पढ़ता है, अपने में चल गया। तो कोई कैसे उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपके बच्चे की? उसके बाद मैं फिर दो बच्चे और बता रहे कि काना भी जब छुट्टी होने के बाद में ये स्कूल में गया है और बच्चे को पकड़ कर ले गए, कह रहे चलो गोलगप्पा खाने। पीछे गली के बच्चे आ रहे हैं साथ में जाकर वो बच्चे बता रहा कि मैं बोला कि चल घर, तो वो बच्चा पकड़ के ले गया कहीं की तरह गोलगप्पा खा ले। और जिस टाइम पर यहाँ आ जाता रहा मैं उसी टाइम देख लिया, फिर हम भाग के गेंद ढूंढने लगे। तो जो बच्चे अब पकड़े गए हैं उन्होंने क्या बताया? कुछ बताया उन्होंने? वो तो कुछ वहाँ पर बता ही नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। फोन आया, फिर उसे फोन आया 6 बजे, फोन आया फैन आया, फिर एक बार मेरे बच्चे से बात भी करवाया। हमारा बच्चा खुद फोन मिलाए के दिया, फोन मिलवा के उसे बात भी करवाई। एक बार बोला पापा, उसके बाद वो फोन छीन लिया। उसके बाद मैं जब फोन यहाँ से लगाने लगे तो टू टू बाजे स्विच ऑफ कर दिए, फोन फाई नहीं रहा, काट काट दे रहा। तो कोई आपसी रंजिश वगैरह के चलते तो बच्चे को नहीं उठाया गया? नहीं नहीं। क्या उन्होंने कोई जो फोन आया था कोई डिमांड वगैरह आपके सामने रखी हो पैसों वगैरह की? आपको क्या लगता है उन बच्चों ने आपके बच्चे के साथ कुछ गलत किया है या अभी उनके पास ही है? तो लग रहा कि वो बच्चे ले गए किसी हवाले कर दिया, पैसा सके लालच में कर दिया है। ठीक है, आपको लगता है किस वजह से उन बच्चों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा? उसके बाद मैं कह रहा कि मैं धक्का दे दिया हूँ, उसके बाद मैं कह रहा कि मैं कहीं कर दिया हूँ, सही नहीं बताया, बता रहा है। दो तरह का बात, बिल्कुल भी नहीं सही बता रहा सर वो। ठीक है, बताइए क्या मामला था? जी मेरा नाम सकीला है, मैं पड़ोस में रहती हूँ। इनका लड़का जब मैं आई यहाँ सेंटर से, मैं सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाती हूँ, तो सेंटर से आई तो मेरा लड़का बोलने लगा कि अम्मी धर्मिंदर कहीं कोई उठा के ले गया है स्कूल से।
तो मैं आके इनके मम्मी से पूछने लगी, तो इनके मम्मी बोली कि वो आया था यहाँ 10 बजे से, तीन उसका बड़ा वाला भाई बैठा था। तो आके इनसे इनके मम्मी से पूछा क्या कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो बोली धर्मिंदर नाम है। तो बोले कहाँ गया, तो बोले स्कूल गया है। तो वो यहाँ से स्कूल गया लड़का, दो लड़के थे वो स्कूल गया यहाँ से। ये लड़के नशा करते हैं कानून, तो नशा के बहुत ज्यादा वो, तो स्कूल गए। स्कूल में जब 5:30 बजे छुट्टी हुआ स्कूल के गेट पे है, तो पकड़ के ले गए, चलो गोलगप्पे में खिलाता हूँ। तो जब यहाँ पुलिस चौकी पर लाया, पता नहीं खिलाया कि नहीं खिलाया उसको। आपको कैसे पता चली है? बच्चा उसके साथ ही जो पढ़ते हैं वो आके बताए कि दो भैया लेकर गया पकड़ के गोलगप्पा खिलाने बहाना उसको। हाँ, तो लेकर गया। 6 बजे 7 बजे उसका फोन आया, आपका बेटा का नाम धर्मिंदर है? इनकी मम्मी बोली हाँ मेरे बेटा का नाम धर्मिंदर है। तो उसकी आवाज आई कि पापा, बच्चे की आवाज आई कि पापा मुझे बचा, इतने आवाज आई कि पापा मुझे बचा ले, इतना वो सिम निकाल लिया, बता रहा है अपना कि मैं सिम निकाल लिया, इतने आवाज आई लड़का। फिर सब खोजने चली गई है, चली गई पूछ। तो जिन बच्चों को पुलिस वालों ने पकड़ा है, उसके बाद पुलिस वालों की क्या कार्रवाई रही? पुलिस वाले तो कुछ कर ही नहीं रहे, जाओ पुलिस चौकी में। मैडम मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मार दूँ, जान से मार दूँ, और नशा मुक्ति का कुछ रोक नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं मुझे अपने जेब से लाना पड़ता है, अगर सब इसमें किया है, अगर वो नहीं पीने उनके पास पैसा होता तो मैं 100 रुपया 200 रुपया पीछे खर्चा करता। और महीना बंदा है पुलिस वाले का, चोरी चमरे कर कुछ भी खुले आम यहाँ होता है। कैसे हम पढ़ाए बच्चे चौकी पर, जब यही बात हुई कि वो नाबालिग है मार के फेंक दूँ, मुझे तो अपने जेब से पिलाना पड़ता है वो ज्यादा बढ़ रहा। 8 साल बच्चा, 9 साल क्या नाम है बच्चे का जिसके साथ ये वारदात हुई है? धर्मेंद्र। क्या लगता है आपका? पड़ोसी है, कैसे क्या हुआ उसके साथ बताओगे कुछ? उसके साथ हुआ कि हम सब खाना बना रहे थे 5:30 बजे, तो हमारा लड़का ने जाके बोला कि आंटी का लड़का खो गया। हम सब निकले खोजने के लिए, तो कोई बताया कि लड़का उसके माँ कहने गए, तो उसकी माँ ऊपर थी, छोटा लड़का जिसके साथ पढ़ने गए उसके साथ, तो बोला क्या कि हमारा लड़का नहीं कुछ करा, तभी हम उसके खींच के लिया छोटा वाला। तब बोला क्या ये हमारा लड़का चोरी उरी करता है, पहले हमारे मारा, हमारे आंटी के लिए मारा, सबके मारा है, नशा भी करता है। फिर स्कूल में गए थे, स्कूल में बोला टीचर भी नशा करता है इसका लड़का, कोई बात नहीं है कि मार में खेल। आपका कहने का मतलब है ये नशे के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया है? क्या पुलिस वाले नशा वशा कुछ रोकते नहीं है यहाँ पे? बताइए पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाला पैसा खाता है, नशा बंद नहीं करवाता है। बच्चा जिसका बच्चा चाहिए।